देखो तो ये कौन आ गया। यही तो है वो आग बुझाने वाला। मुझे तो ये आग बुझाने वाला नहीं, आग लगाने वाला लगता है। हाय हाय सोनाली, कैटरीना, करीना, दीपिका एंड प्रियंका, और ये है आलिया। हेलो सर। हेलो, मैं रूम नंबर 12 में रहती हूँ, कभी मुझे भी बचाने आइए ना सर। टी और कॉफी? इनका मतलब क्या है? टी और कॉफी? ओ, चाय। बाय। ये लड़कियाँ चली क्यों गई? अगर तुम कॉफी मंगवाते ना तो मुझे इन सबको ट्रीट देनी पड़ती, लेकिन तुमने चाय मंगवाई तो मैं शर्त जीत गई और इन सबको 9-2-18 होना पड़ा। बाय सर। टेक केयर। बाय सर। एक कॉफी और एक चाय। दूध के साथ? नॉर्मल चाय। मैंने पूछा था तब मना कर दिया, अब फायर ब्रिगेड लेकर मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? ताकि जब जब तुम सुसाइड के लिए ऊपर चढ़ो मैं नीचे उतारूं। हेलो, मैं कोई बुजदिल लड़की नहीं हूँ जो बार बार सुसाइड करूँ। वो तो उस दिन पापा से पैसे निकलवाने थे इसलिए ड्रामा किया था। यस पापा, बोलिए। कहाँ हो तुम? बताया नहीं था कि एक लड़का सुबह से हर जगह मेरा पीछा कर रहा है, उसी के साथ कॉफी पीने आई हूँ। बहुत हो गया मजाक, अब सच सच बताओ। आप भी कैसे सवाल करते हैं, मैं रोज इस वक्त कुकिंग क्लासेस में होती हूँ, आपको पता तो है। वहाँ से सीधा घर आना। ठीक है, लेट हो रही होंगी तो आपको कॉल कर दूंगी, फिर आप मुझे यहाँ पिक करने आ जाओगे ना पापा? नहीं, फ्रेंड के साथ आ जाना। अपने इकलौते बाप को चुना लगाया? पहले तो मैंने उनसे सच ही कहा ना, उन्होंने यकीन नहीं किया तो मैं क्या करती। चाय तो पियो, ठंडी हो रही है। हॉट आइटम के सामने हॉट चाय कैसे पियूं? तुम सच में आग बुझाने वाली हो ना? आईडी कार्ड दिखाओ तो। मेरी आंखों में झांक कर देखो, सारे कार्ड्स दिख जाएंगे। एक बात बताऊं, वैसे मैंने आज तक किसी को कॉफी तो क्या पानी के लिए भी इनवाइट नहीं किया। एक्सक्यूज मी। हेलो जय, कहां है तू? किसी खूबसूरत परी की झील सी आंखों में गोता लगा रहा हूँ। गोता लगाना तेरे बस की बात नहीं है, सच बता कहाँ है। कमोड पे बैठा हूँ, धोकर 5 मिनट में आता हूँ। बाय। पापा कहते हैं जो भी मेरे साथ 5 मिनट रहता है वो मेरे जैसा ही बन जाता है, शायद उनके बात में दम है। एक बात पूछूं? तुम कुछ देर और नहीं रुक सकते? और कितनी देर? बस एक और कॉफी और एक चाय। त्रिलोक। Yes, ma'am. एक कॉफी और एक चाय, सॉलिड गरम वाली, जिसे ठंडा होने के लिए कम से कम 1 घंटा तो लगे। रंगनाथ हैदराबाद में छुपा हुआ है, तो मला जिंदा पाइजे, काम पे लग जाओ। तीन महीने पहले पुलिस की गिरफ्त से भागे खतरनाक सर, या कॉफी? जय, आजकल तो काफी बदल गया है। अब जानते हैं मौसम का हाल।
दिल्ली का तापमान चर्बी बढ़ गई है ना। अरे शारीरिक बदलाव की बात नहीं कर रहा, पहले तो दो दिन में एक बार हंसता था, आजकल तो दो मिनट में एक बार हंसता है। इस हंसी का राज क्या है? आजकल हंसमुख चाय पी रहा हूँ। ढिल्ले की हाथ गाड़ी कहाँ तक पहुँची? वो तो ये उसे देख के अपना हाथ हिलाता है और वही से देख के डंडा हिलाती है। कितनी बार कहा है कि लड़की पटाना तेरे बस का नहीं है? मैंने भी कितनी बार बोला कि आग बुझाना आपके बस का काम नहीं, जरा सी आग देखकर आप डर जाते हो। अरे ये काम मैं अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहा हूँ। और मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उसे अपनी बीवी बना सकूं। जो कभी नहीं होगा। आराम से ला मुझे दे। थैंक यू सर। सॉरी सॉरी मैंने देखा नहीं सर, माफ कर दीजिए। थैंक्स यार, ये लो अंकल आपकी अदरक वाली चाय। थैंक यू। इसे कहीं देखा है क्या? अभी अभी वो गेट से बाहर निकला। वो हमें जिंदा चाहिए, चलो चलो। राजू तुम उधर देखो। सुनो, मुझे लगा मैं कोई नेक काम करने जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे इरादे कुछ नेक नहीं लगते। ए, तू जानता है तूने किसे रोका है? तू जानता है तुझे किसने रोका है? अरे रंगनाथ, बैंक अकाउंट और पासवर्ड इसमें होना जी, कुछ ही दिनों में सारा पैसा खाते में होता ना। क्या होना जी, पसीना क्यों छोड़ रहे? मेरे से कुछ हाइड कर रहे क्या? बोलो भी क्या बात है। हाँ नायक के आदमी आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं। तो फिर आप मेरे को झूठ काहे को बोले? वो मेरे को छोड़ेंगे नहीं, टपका देंगे मेरे को। मैं आपकी हेल्प किया पर मेरी कोई नक्को करेगा ना, वो लोग मेरे को बैंगन में मिला देंगे। मेरे को मौत से डर नहीं लगता, पर उस हावले नायक के हाथों नहीं मरना।
सर इसका नाम भोला है, ये मोस्ट वांटेड गुंडा था, आजकल हवाला के पैसे इधर उधर करता था, खबर मिली है इसके साथ यहाँ एक गुंगा आदमी भी रहता था, ये रहा वो, इसकी इंक्वायरी चल रही है। ये आदमी गुंगा नहीं है, बस बोलता कम है, नाम है रंगानाथ, मुंबई के डॉन छोटा नायक का अजीज दोस्त हुआ करता था, इसी की इंफॉर्मेशन की वजह से नायक पकड़ा गया था, जब से नायक पुलिस की गिरफ्त से भागा है ये छोटा नायक से बचकर भाग रहा है। ये बचने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता था, ये अभी तक इंडिया में क्या कर रहा है? पता करो ये इस शहर में क्या कर रहा है। इनके पास ना हमेशा 90% ऑफ होता है। माँ मुझे हेयर बैंड चाहिए। आगे देख के चल। हाँ? ध्यान नहीं होगा। अच्छा अरे सॉरी, माफ करना। अब तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। ओके। क्या खाना है? मुझे सीख कबाब विद एक्स्ट्रा कस्टर्ड। मुझे आलू का पराठा घी लगा के ऑरेंज जूस के साथ। नौ नहीं, मुझे पसंद नहीं। 11, 12, 13। आप डोसा खाएंगी? नहीं डोसा नहीं, बर्गर खाऊंगी, बर्गर। अरे ये वाला बर्गर। तुम्हें पता है एक लड़की हमारा पीछा कर रही है। कौन? अचानक से मत घूमना। कल अखबार में खबर छपी थी, गैंग ऑफ लेडीज। फोटो में चोरनियों की बॉस ऐसी ही दिख रही थी। मुझे याद है, मुझे लगता है ये वही है। जरा देख। मैं देखता हूँ। देखा ना? कौन सी? वही जो मूरत बनी बैठी है। जब मैं पैसे गिन रही थी मुझे लगा छीन लेगी। मैं जाके पूछता हूँ, कहीं उसके पास रामपुरी ना हो। ए पर्स यहीं पर छोड़, अब जा।